असल मानसून के सीजन में अंबाला की गलियों और सड़कों पर पानी जमा होना आम बात हो चुकी है। हालांकि मानसून से पहले प्रशासन के दावों में सब कुछ ठीक बताया जाता है, लेकिन बारिश आते ही तैयारियों की पोल खुल जाती हैं। इस मानसून में अंबाला ना डूबे, इसको लेकर अधिकारी सख्त और एक्टिव नजर आ रहे हैं। अंबाला के DC विक्रम सिंह ने अधिकारियों संग मीटिंग में नगर निगम सिंचाई व पब्लिक हेल्थ विभाग को 15 जून से पहले सभी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि अभी मानसून इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी जल्दी आ जाएगा, नॉर्मल जो उनका शेड्यूल रहता है मानसून का, उससे पहले अंबाला में भी आ जाएगा। तो इसलिए मैंने मीटिंग्स भी ली हैं और बाकायदा विजिट भी करी है। तो खामियाँ काफ़ी थी सभी डिपार्टमेंट को, चाहे वो MC हो, चाहे इरीगेशन हो, चाहे पब्लिक हेल्थ हो, तो सभी को कह दिया है कि अपनी जो भी नालियाँ हैं, जो भी उनके ड्रेन्स हैं, सभी को क्लीन करवा लिया जाए और किसी प्रकार की कोई बाधा ना रहे। जो भी पानी अगर आए तो ड्रेन के माध्यम से आगे निकल जाए। नगर निगम, सिंचाई विभाग, पब्लिक हेल्थ, तीनों को ही कहा है, डायरेक्शंस दिए हैं, कोई इसमें खामी नहीं रहनी चाहिए और लोगों को असुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तक का टाइम दिया गया इसमें, मैंने उनको 15 जून का टाइम दिया है कि 15 जून तक वो सारे के सारे अपने सफाई का कार्य पूरा कर लें। वहीं जब तैयारियों के बारे में सिंचाई विभाग के एक्सियन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अंबाला जिला के सबसे बड़े नालों, नदियों और ड्रेनेजों की सफाई का काम पिछले एक महीने से जारी है और 20 जून से पहले काम निपटा दिया जाएगा। ऐसा है, हमारा जो फ्लड सीजन का जो टाइमिंग जो शुरू होता है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का है, और जिसके दौरान हमारे को ये होता है भाई, ये जो 3 महीने होते हैं ये हमारा रेनी सीजन एक कंसिडर होता है, जिसमें हमारे जो रिवर सेक्शंस हैं, जो नदी हैं, जो हमारे नाले हैं और जो ड्रेन्स हैं, जो स्पेशली ऑन द सिटीज़ एरिया एज वेल एज इन द विलेजेस एरिया, और उसको हमने सभी के टेंडर भी कॉल किए हैं। जो विलेज एरिया में हमें मनरेगा से शुरू होनी है वो भी शुरू हो चुकी हैं, और हम इसको कम से कम 26 तक हम कंप्लीट कर देंगे। फ्लड सीजन से पहले, जैसे ही बरसातों से पहले, हम कंप्लीट करके सफाई एज वेल एज उसकी गात गूंद निकाल के बिल्कुल पूरी तैयारी है विभाग की। फील्ड स्टाफ साहब लगा हुआ है, मशीनरी हमारे पास सारी, कॉन्ट्रैक्टर आ चुके हैं, मशीनरी उन्होंने लगा दी है सारा, वो अपना 30 तक हम पूरा तैयार कर देंगे। सर, कौन कौन से ड्रेनेज आपके अंदर आते हैं? इस बार किसानों की काफ़ी फसल खराब हुई है ड्रेनेज की सफाई ना होने के कारण, तो उसके लिए क्या कुछ अब एक्शन होगा? हमारे पास ड्रेनेज का क्या है, 12 तो हमारे पास मनरेगा की ड्रेन है, जो विलेज की ड्रेन है, जो मनरेगा से हम साफ करवा रहे हैं, और 18 ड्रेनें हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टर के, जिसमें हमें जैसे सिटी एरिया की है, जिससे क्या है कि लेबर काम नहीं कर सकती, गंद ज़्यादा है, तो उसमें हमारे मशीनरी के लिए हमने टेंडर कॉल करे थे, वो आ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर आ चुके हैं और वो अपने कार्य पर लग चुके हैं, और वो सारी सफाई अब अच्छी तरह होके और पूरा डिस्चार्ज वो ले लेंगे अथोराइज जो भी है। आपको बता दें कि इस बार मानसून समय से पहले आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को मीटिंग में 15 जून तक खामियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और इस मानसून अंबाला वासियों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पंजाब केसरी TV के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।